हेलो फ्रेंड्स, ट्रेवल चस्का चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव। आज हम लोग आए हैं स्विट्ज़रलैंड में घूमने, पेरिस से। ये इंटरलैकिन एक जगह है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। पीछे आप देख रहे हैं पूरे पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ वाले, और ये लेक भी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग के अभी 7 o'clock हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखते हैं हम यहाँ पे हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, पूरा आपको बताएंगे। अभी मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, आज रहूँगा और कल रहूँगा। 2 दिन का प्लान है मेरा वीकेंड पे, क्योंकि नया का ऑफिस है। आप देख रहे हैं शायद वो बर्फ के पहाड़। तो मेरा यूरोप का ट्रिप कैसा रहेगा पूरा मैं नॉलेज दूंगा, तो बने रहिए। थोड़ी यार सर्दी है तो आवाज़ शायद ऐसा हो रहा है। चलिए आज आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। पीछे एक बड़ी लेक छोटा है, अभी आगे जाके बड़ी लेक है, ये कनेक्ट होती है दो लेक का। चलिए बताता हूँ। सच में ब्यूटी देखिए, बहुत ही प्यारी। ये पूरे बर्फ के पहाड़, ये टाउन का, और ये हमारा होटल है। जो बालकनी देख रहे हैं वो हम लोगों की है। ये जो आपको दिख रही है छोटी वाली, ये वाली। और ऊपर देखिए पहाड़ों पर भी घर बने हुए हैं उधर। मैं आपको ट्राई करता हूँ दिखाने का। माउंटेन्स पे भी वो आपको घर देख रहे हैं इतने ऊँचे। और इस साइड बर्फ के पहाड़ नहीं है, तो दूसरी तरफ बर्फ के पहाड़ है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं बाहर की ब्यूटी दिखाता हूँ। मॉर्निंग हो गया है, आप देखिए पहाड़, पूरे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं। और बाहर जाके देखते हैं और क्या है। क्लोज कर देते हैं और देखिए पूरे में ये पहाड़ी पहाड़, और वो देखिए आधा एक चांद। बहुत ही प्यारी लोकेशन है पूरे बर्फ। लाइफ में मैं तो पहली बार ही आया हूँ ऐसे। ब्यूटी देखिए पूरा। और सामने ही हम छोटा सा लेक है, एक कनेक्टिंग लेक है, थ्रू उससे जाएंगे। देख सकते हैं ब्यूटी, बहुत ही प्यारा ये टाउन है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का प्लान है, हम जस्ट होटल चेकआउट करेंगे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग इंटरलाकिन घूमेंगे बाई वॉक। फिर पास में ही मैंने देखा यहाँ से 1 किलोमीटर ही अराउंड यश चोपड़ा का स्टैचू है, तो हम लोग वो देखेंगे। और ये होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, जो सामने आप देख रहे हैं वो इंटरलाकिन बस स्टेशन है, तो बिल्कुल आप बाई वॉक आ सकते हैं। ये आप होटल सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, तो बहुत ही अच्छा है। और देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड की तो एक ड्रीम जैसा लग रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। देखते हैं, आप सामने देख रहे हैं ये इंटरलाकिन बस स्टेशन। हम लोग बस नाश्ता करके निकलेंगे। ये सामने देख रहे हैं वो ही रेलवे स्टेशन है, आप देख रहे हैं ये रेल जा रही है। ये देखिए स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटीफुल ट्रेन, ज़्यादा आवाज़ नहीं करती हैं, बिल्कुल साइलेंटली चलती हैं। तो हम लोग जाते हैं अभी, नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे इंटरलाकिन को एक्सप्लोर करने। बाहर की ब्यूटी देखिए, अभी वहाँ पर पूरे वो बर्फ के पहाड़ दिख रहे थे, पर बादल इतने आ गए हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये कितनी क्लीन लेक, और ऊपर भी व्यू बहुत ही प्यारा टाउन। अभी इसके वॉक करेंगे, देखते हैं। ये देखिए होटल काफ़ी अच्छा है, रूम भी अच्छा ही था, और काफ़ी पुराना होटल है बट अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। और ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं, तो काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल थे, इंडिया के भी थे थोड़े बहुत फ्रूट्स, मतलब अच्छा था। अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट है, तो आप अगर इस होटल में आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप ब्रेकफास्ट का ऑप्शन लें, तो उसका आपका मतलब काफ़ी ऑप्शन है, तो वो वर्थ है लेने का। तो होटल बहुत ही सुंदर है, पर थोड़ा पुराना है। और सबसे अच्छी बात है इसकी लोकेशन बहुत ही प्यारी है, जस्ट वॉक 200 or 300 meters ही है जो इंटरलाकिन का बेस स्टेशन है, उससे बहुत ही पास है। तो हम लोग बस नाश्ता करके होटल चेकआउट करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो मैं अपना सामान यहाँ पर ही रख दूँगा। एक बैग लेके हम लोग घूमने निकलेंगे, और फिर हम लोगों को जाना है टॉप ऑफ द यूरोप आल्सो। तो ये लोकेशन सामने ही लेक है, आराम से करो नाश्ता, अच्छा लग रहा था।
और देखिए काफ़ी सुंदर है इसका रिसेप्शन एरिया, तो बहुत ही सुंदर है, काफ़ी सोफे और पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी यहाँ से हम होटल चेकआउट कर रहे हैं, अभी 10:30 हो गया, तो मैंने बात की इधर तो रिसेप्शन पे, उन्होंने कहा अपना लगेज रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों का प्लान है बस एक बैग लेंगे, बाकी हम लगेज यहाँ रखेंगे, तब घूम के फिर अपना लगेज उठाएंगे और चले जाएंगे। जो बेस्ट वाला जो रेलवे स्टेशन है वो यही बिल्कुल पास में ही है, और एक OST है जो मैंने देखा यहाँ से 2 किलोमीटर अराउंड है, तो वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे लुशन के लिए, क्योंकि हमारा कल का जो स्टे है वो लुशन में है। तो बने रहिए, यहाँ की ब्यूटी देखते हैं स्विट्जरलैंड की। हेलो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम लोग अभी जा रहे हैं यश चोपड़ा का यहाँ स्टैचू है इंटरलेकन में, तो वो हम पहले देखेंगे, फिर यहाँ की और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आप देख रहे हैं पीछे जो माउंटेंस हैं पूरा स्नो वाले, और इस साइड भी आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, मज़ेदार। ये देखिए यहाँ की जो इंटरलेकन की स्ट्रीट्स, और ये बेकरी जो कुछ DDLJ वाली ऐसी बेकरी है, ये जो तो शिनो देखिए, और का पूरा ही अच्छे मज़ा आ रहा है सच में। देखते हैं, कुछ चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और बेटू आ रहा है, देखिए ये DDLJ वाली जो घंटियाँ काफ़ी फेमस हैं। देखिए स्विट्जरलैंड का इंटरलाकिंग, और ये नबी लोग आ रहे हैं, क्राउड है इधर छोटा छोटा सा। आप ये देखिए विक्टोरिया होटल, बहुत ही अच्छा, और सामने जो आप देखेंगे इतना प्यारा व्यू, इतने माउंटेन और क्लाउड्स हैं। और ये देखिए नबी इंजॉय कर रही है थोड़ा सा गोद में, हाँ। और यहाँ पे बस थोड़ी दूरी पे रह गया यश चोपड़ा का स्टैचू, पहले हम लोग वो देखेंगे फिर और चीज़ देखते हैं, लेक वगैरह जाएंगे, इंजॉय करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए विक्टोरिया, और जो पहाड़ का नाम है जो सबसे टॉप ऑफ यूरोप के पास पे ही है, और यहाँ पे देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है सच में, आप देख सकते हैं अभी लैंड करेंगे ये लोग, और वीडियो भी उन लोगों का वो है, वाओ सो ब्यूटीफुल। कौन आ रहा है वो देखो ऊपर, टूटू, व्हाट इज दैट, डिड यू सी, अभी आई लैंड करेंगे। सच में लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल जो यश चोपड़ा के स्टैचू के पास ही है। तो यहाँ पे जो टॉप ऑफ यूरोप के जाने का टिकट भी मिलता है, और जो एक्टिविटी करने का भी टिकट मिलता है। तो मैं एक्टिविटी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक्टिविटी करूँगा तो हम लोग टॉप ऑफ यूरोप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा। तो हम लोग का प्लान है कि हम लोग वहीं जाएंगे, अभी हम थोड़ा यहाँ देखते हैं। मज़ा आ रहा था पर देखने में, जो इनकी लैंडिंग देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, सामने बर्फ के पहाड़, ठंडा ठंडा थोड़ा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, तो अच्छी जगह है। चलो अब चलते हैं यश चोपड़ा का स्टैचू देखने, अच्छी लोकेशन है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसमें हम पूरा टॉप ऑफ यूरोप जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं अभी यश चोपड़ा का जो स्टैचू है यहाँ पे, पूरा इस लैंडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ ट्राई करता हूँ, लाइफ टाइम मेमोरी होगी, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आज धूप खिली हुई है, मज़ा आ रहा है, देखिए
अब ये करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ आया हूँ तो एक बार करते हैं। देखिए यश चोपड़ा का स्टैचू स्विट्जरलैंड में, ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पास में ही है जो आप देख रहे हैं ऊपर से, ये यश चोपड़ा का स्टैचू तो अच्छा है। आओ यहाँ देखो, सामने ही उसकी लैंडिंग होती है और पार्क है। और देखिए इसके बारे में पूरा आप पढ़ सकते हैं, बॉलीवुड इंग्लिश और यश चोपड़ा। चलो हम टिकट लेके देखते हैं, सोच रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी एक और ट्रेन पकड़ने जो टॉप ऑफ यूरोप जाती है। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मिलूंगा टॉप ऑफ द यूरोप पे, वहाँ पे काफ़ी स्नो वगैरह है। तो हम लोगों ने टिकट कोई ऑनलाइन बुक नहीं किया था, यहाँ पे एक शॉप थी तो वहीं से हम लोगों ने बुक कर लिया था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए। शुरू हो रही है काफी, शुरू हम लोग इस ट्रेन से आ रहे हैं, एक और ट्रेन।